संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो संगवारी हो, हमारे साथ में कुछ अलग अलग जगह से आए कलाकार मन है, जेखर ले गोट बात करबो, जानबो कि ये महोत्सव में आके मतलब कैसे लगा थे और का प्रस्तुति दी से। सर, कैसा लग रहा है यहाँ छत्तीसगढ़ में? हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी मिल रही हैं जी। और जो इस पुराने कल्चर को जो इतना आगे लेके आए हैं उसे काफ़ी खुशी मिल रही है हमें, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारी छिप रही थी जी। तो इस प्लेटफॉर्म पे आके ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ जो वो द्वारा दिख रही है जी। तो बहुत अच्छा लगा हमें भी आके, और जितने भी कलाकार आए हैं यहाँ से, बाहर से जितने भी हमारे हिंदुस्तान से कलाकार आए हुए हैं और हमारे पड़ोसी देश से जो भी कलाकार आए हुए हैं, उनको देख के काफ़ी अच्छा लगा है और एक दूसरे में काफ़ी जागरूकता है इस संस्कृति को आगे बढ़ाने की। तो हम ये निवेदन करते हैं कि, और छत्तीसगढ़ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रायपुर का, जो सीएम साहब ने जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो हमारे लिए बनाया है, तो हमारी तरफ से या उनकी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि इस चीज़ को जो है वो दर पर दर कंटिन्यू जो है वो रखा जाए और जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो कभी छिपने ना पाए। आप लोगों का प्रस्तुति हो गया सर? हो गया हमारा प्रस्तुति सर जी। सर, आपका स्वागत है, आप परिचय के साथ में बताइए। हम अपनी पार्टी के साथ जहाँ भी हमें बुलाई जाती है गवर्नमेंट है वहाँ हम अपनी पार्टी के साथ जाते हैं। हम हिमाचल से आए हैं। हिमाचल से आए हैं। हाँ जी, प्रस्तुति दे दी। प्रस्तुति कुछ हो गई है, कुछ होने को ली। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। हिमाचल से आए हम, हिमाचल से हमारी प्रस्तुति हो गई है छत्तीसगढ़ में आके, बहुत अच्छा लगा है हमें। सर, आप कहाँ से? हिमाचल से। पूरा टोटल हिमाचल से। कैसा लगा यहाँ छत्तीसगढ़ में? बहुत अच्छा लगा इधर आके। प्रस्तुति कैसी रही आपको? बस बढ़िया रही, अभी पहली बार आए आप? हाँ जी। तो कैसा लगा आपको छत्तीसगढ़? बहुत बढ़िया लगा सर। अच्छा, आप ये जो रखे हैं क्या नाम है इसका? इसका रिवाना बोलते हैं सर, रिवाना। अच्छा। और ये खंजरी बोलते हैं इसको जी। तो बजा के दिखा लीजिए, थोड़ा सा बजा के दिखा दीजिए दर्शक। कोई नहीं, सब बजा देते जी। बहुत सुंदर सर। ये जैसे अपन आप लोग बजाते हैं तो कैसे धुन में, जैसे अलग अलग तरीका है? सर, जो भक्त सुदामा थे ना जी, उसका साज है, रूह का साज है, उसने बनाया अपनी रूह का साज, तो महाराज कृष्ण को सुनाता था ये जी, उसके बारे में। सर, आप कुछ बताएं छत्तीसगढ़ में कैसा? बस बहुत बढ़िया लगा, पहली बार है लेकिन मज़ा आ गया, बहुत आनंद आ गया जी घूमने का। तो क्या कहना चाहते हैं जनता को? बस जनता को कहना, बस ये सोचता हूँ मैं कि जो हमारे लोग आए वो भी इस तरह सीखें कि सभी किसी बड़े से छोटे की हेल्प करें जी। और इसी तरह जो अपना कार्यक्रम है, पुराना कल्चर है, जो वहाँ ऐसे भी बढ़ाया जाए इसको, जो नहीं जानते नया युवा पीढ़ी उनको भी दिखाया जाए, जो नई पीढ़ी नहीं जानते हैं। तो आजकल तो मोबाइल पास सभी के पास है, तो मोबाइल से लेकर उनको सभी को दिखाएं कि ये पुराना जो कल्चर है इसको कायम रखें, जो हमारे परम पीढ़ी से पीछे से ये कल्चर आ रहा है। तो हम चंबा, हिमाचल प्रदेश चंबा से हैं जी। और चंबा से आगे भरमौर जिला, भरमौर से हम अपना गद्दी, जो गद्दी संस्कृत कला है उसको दिखाने जा रहे हैं। चिट्टा तेरा छोड़ा काला नोरा ओ संभुआ ते सोटियो, ओ चिट्टा तो तेरे बताई खा
जो मैं ये गाना गा रहा हूँ, ये भेड़ बकरियाँ जो लोग चारते हैं हमारे गांव में चंबा भरमौर में, उसके बीच में गाना बना है जो संभव जाता है, वो हाल होता है भेड़े बकरी चराने वाला, तो वो चराते चराते उसका गाना जो है संभव का। तो गाना ये है कि वो बोलता है कि चिट्टा तेरा चोला है और काला जो तेरे ये डोरा है, तो बोलता है कि उसकी पत्नी की संभव घर आ जा तू, वो बोलती कि तेरे लिए खाना बना रही हूँ, तू घर आ जा खाना खा ले, दाल मैं बना रही हूँ उसको तड़का लगा रही हूँ, पर तू खाने के टाइम यहाँ घर में पहुँच, बेटा बकरी को छोड़ के यहाँ पे घर आराम से खा ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो संगवारी हो, इसने नवा नवा खबर पर बने रहो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सीजन रेस यू टीवी यूट्यूब चैनल।